मेरे बाल। नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, इतना तो सभी के गिरते हैं। हाँ इस बार ज्यादा बाल, अगर इस तरह से मेरे बाल गिरते रहे तो मैं गंजी हो जाऊंगी। नहीं अरे क्या हुआ बुआ जी, आप चिल्ला रही है? मेरे बाल। बस इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात? अरे बुआ जी मैं गंजी हो जाऊंगी, गंजी। अरे हट, गंजे हो तेरे दुश्मन, इसीलिए बोलती हूँ शुद्ध चीज़ें लगाए कर, 100% नेचुरल। तू ये लगा ले, ये तो ऑनियन हेयर ऑयल है, इसकी स्मेल से तो मुझे हेडेक हो जाएगा। इसमें ऐसी बात ना है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा तो इसमें ऐसा क्या है बुआ जी? देख देख इसमें है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फेनुग्रीक सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, बासिल ऑयल, एलोवेरा जूस, ऑनियन भृंगरा जूस, करी लीव, आंवला, कोकोनट मिल्क, बुफेलो मिल्क, काउ मिल्क, यस्ती मधु, एलमंड, हिबिस्कस, चिरौंजी, आंवला, बहेड़ा, हरद, अश्वगंधा, ब्राह्मी, नीम, नीली, सीसम ऑयल जैसे बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां हैं जो झड़ते वालों की समस्या को कम करेगी। अरे हाँ इसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा तो ये मेरी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम को दूर कर देगा ना? बेनिफिट इतने सारे बेनिफिट है ना कि मैं बता नहीं सकती, देख उसमें लिखा हुआ है। इसमें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इनहिबिट्स प्रीमैच्योर ग्रोइंग, प्रिवेंट हेयर थिनिंग एंड ब्रेकेज, मेंटेन द पीएच लेवल, फाइट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वर्क एज अ नेचुरल कंडीशनर, इम्प्रूव हेयर टेक्सचर, नरिश हेयर फॉलिकल्स एंड विटामिन से भरा हुआ है। ये सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं। तो गाइज एक ही ऑयल में इतने सारे क्वालिटीज, और सबसे अच्छी बात तो है नो टॉक्सिन, नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, 100% नेचुरल, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। तो मैं इसे तो ज़रूर ट्राई करूँगी। इस ऑयल की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है एंड नॉन स्टिकी है। अगर आप इसे अपने हेयर में अप्लाई करते हैं तो आपको हैवी सा फील नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा। और बात करें इसकी प्रेगनेंस की तो काफ़ी अच्छी है। इसमें जो चिरौंजी की प्रेगनेंस आती है काफ़ी भिनी भिनी सी आती है, तो अच्छी लगती है, इरीटेटिंग नहीं है। सो फर्स्टली आपको थोड़ा सा हेयर ऑयल लेकर फिंगर टिप्स की हेल्प से ना अपने हेयर स्कैल्प में अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई करना है, ताकि सारे रूट्स में आपका जो भी ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए और हमारे हेयर को न्यूट्रिशन मिल जाए, ताकि हमारे हेयर बढ़िया ग्रो करे, शाइनी लुक दे, थिकनेस आए। तो इस तरह से सारा अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा हेड मसाज करके ऐसे राउंड राउंड में, एंड उसके बाद अपने हेयर को टेंगल फ्री करके आपको एक पोनी टेल कर लेना है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के बाद आप अपने हेयर वॉश करिए, या फिर हेयर ऑयलिंग के 1-2 घंटे बाद भी हेयर वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको मेरी तरह हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है तो आपको टीचर्स ग्रेस का ऑनियन प्लस 5 हेयर ऑयल ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड इसका रिव्यू आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बेनिफिट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।